Suman Rao, the Femina Miss India, are proud from village Aidana, Amet, Tehsil. We proud of you, Suman Rao. मिस इंडिया सुमन राव राजसमंद के छोटे से गांव की रहने वाली है, जहां आमेट तहसील में आईडाना गांव की रहने वाली है सुमन, जिसने पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजसमंद से सुनील जैन हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं। सुनील, जाना चाहेंगे राजस्थान की लाडली जो कि राजसमंद की रहने वाली है, उसने पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है, किस तरह का खुशी का माहौल आप वहां देख रहे हैं? राजसमंद के आमेट तहसील की आदरणीय गांव की रहने वाली थी सुमन राव। ये बचपन से करीब तीन साल की थी और उसके माता पिता के साथ ये मुंबई चली गई थी। तब से ये मुंबई में इन्होंने सारा एजुकेशन का काम किया। उसके बाद ही यह कल रात्रि को जो मुंबई में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंडो स्टेडियम में जो ये आयोजित की एक डबल मिस इंडिया का खिताब जीता है। और यहाँ पे पता तो चाहिए, जैसे ही देर रात्रि को 12 बजे पहुँचता हुई ये गाँव में खबर फैलते ही या गांव में काफी खुशियों का माहौल है। इस वक्त में गांव में है और बता दो कि यहां पे गांव में लोग आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अपनी बेटियों को जिस तरह से इन्होंने नाम रोशन हुआ, उस तरह से ये लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। मरुधरा की एक बेटी की, जिसने मरुधरा का मान बढ़ाया है। राजस्थान की सुमन राव ने फेमिना मिस इंडिया 2019 का ताज जीतकर नाम रोशन किया है। सुमन राव को मिस इंडिया 2018 के विनर अनुकृति दास ने ताज पहनाया। मुंबई के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में एक्ट्रेस उमा कुरैशी, चित्रांगदा सिंह और रेमो डिसूजा, विक्की कौशल, आयुष शर्मा मिस वर्ल्ड 2018, वेनेसा पोनसे और शहाने पिकॉक, मुकेश छाबरा भी मौजूद रहे। खिताब जीतने के बाद सुमन ने कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुमन ने सीए की पढ़ाई की है। उनका कहना है कि वो जीवन में उन चीजों को करने की हिम्मत रखती हैं जिन्हें लोग अनिश्चित मानते हैं। और सुमन जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित अपने माता पिता से हैं। आपको बता दें कि सुमन साल 2018 की पहली रनर अप रही थी। सुमन राव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर बधाई दी। तो फेमिना मिस इंडिया 2019 का ताज मिला है राजस्थान के सुमन राव को। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने खूब मेहनत की थी, कि थोड़े से चूक गई थी। और सुमन जैसा कहती भी है यहां पर कि वो जो ज्यादा मुश्किल होता है उसको चुनती हैं, तो ऐसे में उन्होंने और मेहनत की और नतीजा सामने है। और आज मरुधरा में हर कोई सुमन के नाम की चर्चा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर मरुधरा की इस बेटी को बधाई दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बधाई दी है। अब आगे की तैयारी है, तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो फेमिना मिस इंडिया 2019 राजस्थान के सुमन राव को चुना गया। सीए की पढ़ाई सुमन ने की थी। उनका कहना है कि जो कुछ भी लोग कहते हैं कि मुश्किल है, अनिश्चित है, वो ही उनको पसंद आता है। और फर्स्ट इंडिया भी बधाई दे रहा है सुमन को, फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव को। अब आ रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सुमन अपना डंका बजाएं, मरुधरा का मान बढ़ाएं। और इतनी बड़ी उपलब्धि जब इस बेटी ने हासिल की है तो उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। Very benevolent to the participants because I've been there and I know that you're very nervous. It's your night to shine and it's all or nothing. So if they kind of trip or something, those things doesn't really matter. It matters the way they answer the question. It matters the way they portray themselves and how much passion they bring to the table. That's what I want to see. I want to see them shine their smiles and just be very confident about themselves. Just want to remind them that we are here because we serve a bigger purpose. We're not here to wear the crown. The crown is the symbol of the mission we carry. So just be very passionate about your Beauty with a Purpose projects and be real. That has to be your motivation. The people have
For more updates, please watch EcoZ, our channel, and please support us by like and comment and share. Thank you so much. Suman, proud of you.